हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन आपके पास बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और बहुत सारी की सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिला सकती है। तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा आगे। बाकी अगर बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में एक शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं जिसमें आपको अच्छा खासा गेन मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उसी से रिलेटेड उसका टेक्निकल से आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली। तो अगर बात करें वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए ताकि वो भी इस तरीके के वीडियो को देख सके। एज वेल एज कल के दिन में काफी सारी वीडियोस यहां पर लाई गई थी, आपको बताया गया था कि कौन से शेयर आज के दिन गिर सकते हैं, कौन से शेयर भाग सकते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर सब बताया था, क्योंकि हील भाग सकता है वो आज भागा था, जियोजीत भाग सकता है वो भी भागा था, आरती ड्रग्स गिरेगा तो वो भी गिरा था। इस तरीके से आपको पहले ही एक रिजल्ट से हमें अंदाजा आ गया था, तो वो हमने आपको बता दिया था। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आज के दिन लगभग शेयर भागता हुआ हमें नजर आया। अगर देखते हैं यहाँ पर तो लगभग शेयर 8% भागता हुआ नजर आया है। इसका लॉन्ग टर्म भी चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 डेज का पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में चार्ट पैटर्न इस शेयर ने सही अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आई है, लगभग 70% तक। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। तो देखिए ये माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप मतलब जिसका मार्केट कैपिटल भी 1000 करोड़ रुपीज से नीचे है। बट अगर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी ने इतनी बार आपको बोनस दिया है, इतनी एज वेल एज स्प्लिट दिया है, राइट इशू लाया है, डिविडेंड कंपनी देती आई है कि आप इसे ना दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां मदरसन सोमी इस तरीके से इन कंपनियों के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए यहां बट इस चीज में एक चीज याद रखना, स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करने से ये होगा कि कंपनी में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी अगर देखें तो कंसोलिडेशन फेज ये इस तरह से लेके इधर तक एक कंसोलिडेशन फेज, इसके बाद यहां पर एक गिरावट, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरावट, फिर मतलब लॉन्ग टर्म के व्यू से तो अच्छा है बट आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर बात करें यहां पर 2018 आउटर एंसिलरी से रिलेटेड ये शेयर है, पहले बता देता हूँ। और अगर बात करें यहाँ पर ये शेयर देखिए अभी ऑल टाइम हाई से, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से तो नीचे है ही है, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का, देखिए 70-80% नीचे है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें 50-60% तक नीचे है। और अगर बात करें यहाँ पर अपने यहाँ पर जो ये मार्च में लगभग जैन में जो पेंडेमिक से पहले चल रहा था उसी के आसपास अभी कंपनी ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज़ को हमें देखना है, इसकी वॉलेटिलिटी को देखना है, उसी के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है, सब चीज़ की उसी अपनी स्टडी करके ही आपको कुछ डिसीजन लेना है। बट अगर हम देखते हैं कुछ इसके पैरामीटर, तो देखिए 180 रुपीज़ का यहाँ पर 18 मई को था 2020 में, और 10 मार्च की बात करें 361 रुपीज़ का 2 वीक हाई इसने लगाया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर तो 34% शेयर लगभग अगर बात करें 83,000 यहाँ पर शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग 43.36% है, पब्लिक में जिसमें FIIs DIIs की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग अगर बात करें तो 56 है। कंपनी देखिए डिविडेंड का हमेशा देती आई है, और अगर बात करें बोनस, कंपनी 2018 में ही बोनस देती हुई कंपनी नजर आई थी। इसके अलावा अगर कुछ और पैरामीटर तो कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी हमें नजर नहीं आता। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी देखिए डिविडेंड तो यहाँ पर देती है, बोनस की बात कर ले सबसे पहले, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 टाइम तो इस कंपनी ने आपको बोनस दिया है। 1970 है, मतलब कितनी पुरानी कंपनी है देख लीजिए। ओके 2018 में फिलहाल में 2 साल पहले बोनस दिया, फिर 14 में दिया था उससे पहले, फिर 3 में दिया था 1993 में, तो शायद 2-4 साल बाद फिर दोबारा आपको 1-2 साल बाद बोनस देती हुई कंपनी दिखाई दे। तो अगर बात करें इसके स्प्लिट की तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 2010 और 2003 में स्प्लिट भी किया है, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर राइट इशू तो कंपनी का राइट इशू भी एक बार 2007 में आ चुका है। तो कंपनी जिस तरीके से बोनस देती आ रही है, जिस तरीके से कंपनी काम करती है, आप अगर इसके ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड काम करती है तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया अपने। अगर बात करें बोनस, 6 टाइम बोनस दिया तो 6 टाइम बोनस काफ़ी मायने रखता है, 6 टाइम बोनस ऐसा वैसा नहीं, 1:1 का 3 बार बोनस दिया है, ओके 4 बार, 1:4 का बोनस दिया है, 1:2 का बोनस दिया। तो इसे ऐसी कंपनी जो आपको लगा था परफॉर्म करके
करके दिखाया इस तरीके से, तो ऐसी कंपनी को हमेशा अपने रिडार पे रखना चाहिए। कंपनी का नाम क्या है वो दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम है LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड। LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड करती क्या है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड काम करती है, और ऐसा नहीं है कि बस छोटी मोटी कंपनी है, मतलब वर्ल्ड में टॉप में आती है। एलजी के फाउंडर 1937 ओके एज वेल एज बात की जाए हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई टाइमिंग चेन ओके OEMs में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, जो कि मदरसन सोमी भी करती हुई नज़र आती है। और उसमें अगर बात की जाए एंड इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आती है तो US में, तो यही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एज वेल एज अगर बात की जाए LGB इज़ द नंबर वन, अगर बात करें नंबर वन OEM सप्लायर ऑफ ड्राइव चेन्स विथ 70% मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में 70% शेयर इसी का ही है OEMs, मतलब ड्राइव चेन से रिलेटेड। एज वेल एज अराउंड 50% इन द रिप्लेसमेंट मार्केट, रिप्लेसमेंट भी अगर करते हो तो उसमें भी 50% इसी के ही प्रोडक्ट्स लगते हैं। LGB की अगर बात करें USA एंड फर्दर यहाँ पर एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो कंपनी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स के पर जाके ओके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमोटिव चेन्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, एज वेल एज यहाँ टेंशनर्स बेल्ट्स ब्रेक शू ओके स्प्रोकर्ट्स, तो इसी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। वायर ड्रॉइंग मशीन कंपोनेंट फाइन ब्लैंकिंग, तो काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और उसमें भी लीडर है, ऐसा नहीं है कि पीछे है आगे है सबसे ज़्यादा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी देखिए आपका बिजनेस मॉडल पता चल गया, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है ओके। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ दे रखा है तो इसे ही पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो कैप कंपनी है, 1000 करोड़ रुपये भी इसका मार्केट कैप नहीं है, और डेट की बात करें 12% का डेट है जो कि चल जाता है। एज वेल एज बात करें प्लेजिंग परसेंटेज, कोई प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है। ROCE की बात करें 14% की ROCE है, 9 के PE पे कंपनी चल रही है। एज वेल एज अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। और बुक यहाँ पर अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर मदरसन सोमी वगैरह सब, मतलब इन्हीं से कंपनी का आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी किससे सीधे किससे कंपटीशन है। सेल्स की बात करें कंपनी की, देखिए सेल्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जब सबसे ज्यादा सेल्स कंपनी की होने लग जाए ना तो समझ लीजिए कंपनी इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस, और वो कुछ ना कुछ कर रही है। ऑपरेट देखिए सेल्स सबसे ज्यादा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज्यादा, और ये सब चीज जब सबसे ज्यादा दिखने लग जाती है ना तो वो सब चीज आपको फिर अपने नंबर में भी नहीं, फिर इसके रिजल्ट में भी और शेयर प्राइस में भी दिखने लग जाता है। इंटरेस्ट की बात करें, कंपनी को इंटरेस्ट लगभग 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करती है, बाकी क्योंकि लगभग डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट भी इस बार का ही है, 54 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी अच्छे खासे PE 17 सबसे ज्यादा EPS इसका इस बार है। सेल्स की बात करें, अच्छी खासी सेल्स है ओके, बीच में शायद कोई इम्पैक्ट हुआ होगा अगर बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जून जुलाई में यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अगर पिछले 12 महीने की सेल्स देखें थोड़ी कम नजर आ रही है, बट स्टिल बात करें कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जंप ही दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का ही है, नेट प्रॉफिट इस बार का सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को देख के ही आपको काम करेंगे ना, और इस तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगी कंपनी कितना वजन रखती है मार्केट में। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व सबसे बढ़ता है हुआ 700 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग पहले कितनी थी, सीधे बोरिंग भी कम कर दिया 84, अगर सितंबर की यहाँ पर बात करते हैं तो सितंबर 3 करोड़ और कम कर दिया, यहाँ पर 84 भी नहीं है। अभी आएंगे जब रिजल्ट तो और पता चल जाएगी, यहाँ पर अपडेट होगा तो और कम यहाँ पर बोरिंग। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के पास, देखिए एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड भी करती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें, कैश इक्विवेलेंट 147 करोड़ रुपीज़ का कैश, एक साथ कैश फ्लो आ गया है। बात करें ट्रेड रिसीवेबल, देखिए सबसे ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल इस बार का ही है। ऑपरेटिंग जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है सारा का सारा कैश यहाँ बुक्स में यहाँ पर आ जाता है प्रोमोटर्स के पास। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 43, यहाँ पर सेप्टेम्बर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ा ली कि ठीक है तुम बेच रहे हो कोई नहीं,
कोई नहीं लेटा, हम ले लेते हैं इस तरीके से। FIIs की बात करें, FIIs ने मार्च को इसी क्वार्टर में देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की बात करें, DIIs ने थोड़ी कम करी है, वो FIIs ने खरीद लिया है। पब्लिक की बात करें, 39% की होल्डिंग नज़र आ रही है, बट अगर बात करें 39 यहाँ पर HNIs ने भी काफ़ी सारे ले रखा होगा, मतलब बट फिर भी 40% की हिस्सेदारी, बट कोई इशू नहीं है। कंपनी इज़ डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस एज वेल एज अगर कुछ टेक्निकल्स के बारे में अगर बात करें, ओके इसका ऑल टाइम हाई 672 के आसपास है, ओके एज वेल एज बात करें यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ओके यहाँ पर इस तरीके से एक कप नज़र आ रहा है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी यहाँ पर गई इस तरीके से। देखिए ऊपर जाती हुई कंपनी नज़र आई, फिर इसके बाद यहाँ पर से नीचे, यहाँ पर मतलब कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी अगर हम कह देते हैं ना तो कोई बुरा नहीं होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद कंपनी यहाँ पर से दोबारा देखिए जाती हुई नज़र आ रही है, और सीधे इस तरीके से कंपनी मतलब इस तरीके से नहीं सॉरी अगर हम बात करें इस तरीके से कंपनी जाती हुई नज़र आएगी। एक बार दिखा देता हूँ, मतलब ये कंपनी ऊपर जाती हुई साफ नज़र आ रही है। इस तरीके से जब जाती हुई नज़र आती है ना, तो क्यों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जितना मतलब जितना यहाँ से नीचे जाता हुआ नज़र आता है ना, इतनी ही कंपनी यहाँ से ऊपर उठती हुई नज़र आती है कप विद हैंडल पैटर्न में। और अगर हम यहाँ पर से इसे उठा के ओके ऊपर की तरफ लगा देते हैं, जो इसका अभी का प्राइस चल रहा है यहाँ पर अगर देखते हैं, ओके तो कंपनी का जो अभी प्राइस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये कंपनी सीधी यहाँ पर इसी मतलब 485 रुपीज़ तक जाती हुई नज़र आ रही है। बट इसका इससे पहले का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए यहाँ पर और कोई भी चीज़ जब इस तरीके से जाती है ना तो यहाँ पर रुकती नहीं है, फिर ऊपर ही जाती हुई नज़र आती है। ऑल टाइम हाई से तो देखिए नीचे ही है, बट अगर फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं तो 52% के रिटर्न आपको यहाँ से नज़र आते हैं। मतलब 52% के रिटर्न अगर आपको 6 महीने के अंदर अंदर भी मिल गए, एक साल तो आपको एक साल के अंदर भी मिल गए ना, तो आपको 50% के प्रॉफिट हो गया, जो मार्केट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केवल 25% या 30% के रिटर्न हमें मिल जाए। बट ये कंपनी आपको जिस तरीके का यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो लगता है कि ये 52% आपको 6 मंथ में या एक साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहिए, काफ़ी बेहतरीन कंपनी भी है, और कंपनी ऐसी नहीं है छोटी मोटी कंपनी, कंपनी लीडर है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा, इस चीज़ को समझ के अगर आप एक काम करते हुए नज़र आएंगे ना, तो आपको मार्केट वेलकम करता हुआ नज़र आएगा और अच्छा खासा पैसा हम मार्केट से बना पाएंगे। तो कंपनी का नाम क्या है, LG बालकृष्ण एंड ब्रोज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, टेक्निकल अच्छे है, बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, कंपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ करती हुई नजर आई है। तो इन सब चीजों को हमें देख के हमें इस कंपनी में थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। बट स्टिल आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे लाई जाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।